हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन कैदी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चले अच्छा तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले तो मैं आपको ये बोल दूं आप में से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे जो क्वेश्चन बन सकते थे अगर वो वाला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस क्लास को भी देख लेना कल सुबह पाँच बजे का वो रिकॉर्डेड सेशन है प्लीज़ एक बार से देख लीजिएगा ऑलरेडी आ चुका है सेशन ओके इस क्लास के बाद में आपसे मुलाकात होगी लाइव सात बजे के सेशन में जो है आपके लिए डेली डोज डेली डोज है वो आपके लिए समझ रहे हो मतलब जैसे होता है ना किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो उसको स्पेशल वाला टॉनिक दिया जाता है तो ये आपके लिए डेली वाला टॉनिक है तबीयत खराब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तो सात बजे के सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा सुबह सात बजे डेली लाइव सेशन रहता है करेंट अफेयर्स का ऑन द सेम चैनल इसके अलावा साढ़े दस बजे आप लोगों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है आज आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिएगा ताकि ये आपका सेशन खत्म हो सके और हाँ प्लीज़ एक चीज़ और इस सैटरडे को दोपहर में दो बजे आपके लिए जो क्लास होगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स का ठीक है ना वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं सारी की सारी एक ही क्लास में कवर हो जाएगी इसके अलावा दोपहर में जो आपका ये सेशन चल रहा है वो किस चीज का है ये आपका जीके का क्लास है जो आई एनटीपीसी एसएससी स्टेट पीएससी वाले बच्चे हैं उन सब के लिए फिफ्टी क्वेश्चन की सीरीज होती है जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और हाँ ये जो सेशन है ना ये सबके लिए है मतलब ये मत सोचना ओ माई गॉड ये वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा हुआ है मैम ये हमारे तो काम का नहीं है ये बेकूफी मत करिएगा क्योंकि पेपर आप देख रहे हैं आजकल कि किस तरीके से आ रहा है राइट चलिए सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो पहला सवाल आपके सामने बताइएगा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है अगर हम उसको टोटल देखें और हाँ बजट के ऊपर अलग से भी मैंने एक सेशन किया हुआ है इसी सेम यूट्यूब चैनल पे अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लेना टोटल पच्चीस पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए है ना अब आप चार घंटे का बजट देख लो तो भी वही पॉइंट निकल के आएंगे बीस मिनट का देखोगे तो भी वही पॉइंट निकल के आएंगे चलिए सुनिएगा पूछा जा रहा है कि हेल्थ और वेलबींग सेक्टर के ऊपर इस बार के बजट में कितना पैसा खर्चा किया गया पहले तो ये ध्यान रखना कि इस बार टोटल छः पिलर्स बताए गए हैं बजट के जिसमें हेल्थ भी है इंफ्रास्ट्रक्चर भी है आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है इन सबको इंक्लूड किया गया है बट इसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो कितना है दो लाख यानी कि दो लाख तेईस भाई साहब कुछ ज़्यादा ही वाला हो गया तो सीधे से आपको याद रखना है दो लाख तेईस हजार करोड़ ये फिगर तो भूल भी जाओगे काम चल जाएगा सुनिएगा आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार का जो सेक्टर है आपका हेल्थ वाला इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट खर्चा किया अभी आपको आगे एक सवाल मिलेगा कि कोविड के वैक्सीन को डेवलप करने के लिए अलग से इसमें और भी अमाउंट दिया गया है ये किसके किसके ऊपर फोकस करेगा प्रिवेंशन क्यूरेटिव एंड वेलबींग यानी कि आपको बीमारी से बचाने का काम करेगा आपको बीमारी ना हो उसके लिए भी काम करेगा और अगर बीमारी हो भी जाती है तो इन फ्यूचर आप उससे कैसे बच सकते हो उसके लिए भी काम करेगा पिछले बार से अगर इस बार का हम अमाउंट देखें जो खर्चा किया गया है तो वो कितना इंक्रीज हुआ है वन थ्री सेवन परसेंट यानी कि वन थर्टी सेवन परसेंट इंक्रीमेंट देखने को मिला अगला सवाल आई की बात करो या फिर एल की बात कर लो ज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजी भैया कौन सी वाली कंपनी है आप सबको पता है कि एल आई सी जो है उसका डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, है ना डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है उसके जो फिफ्टी वन परसेंट के शेयर हैं वो सरकार के पास में केंद्र सरकार के पास में अब इसमें से कुछ शेयर वो बेचना चाहता है तो ये क्या हो गया डिस इन्वेस्टमेंट हो गया अब ये किसका होने जा रहा है एल का होने जा रहा है डिसइनवेस्टमेंट जैसे कि देखिए क्या होता है ना बड़े बड़े बैंक्स हैं अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उनका क्या हो जाता है मर्जर हो जाता है उसी तरीके से यहाँ पर डिसइनवेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा सो so दैट जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ग्रो कर सके अगला हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द बजट एस्टिमेशन दिस इज दिस इन दिस ईयर कितना एक्सपेंडिचर का अमाउंट बताया गया है यानी कि इतना अमाउंट जो है वो आपके टोटल बजट का खर्चा बताया गया है जितनी भी चीजें हैं कोविड के लिए इतना पैसा आपके हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा डिफेंस के लिए तो कुछ बताया ही नहीं गया है इसके अलावा जॉब्स के लिए भी कुछ नहीं बताया गया हाँ कुछ रिजर्वेशन के अंदर कुछ जगह पर बोला गया है कि हाँ इतने इतने जॉब्स होंगे बट कब होगा ये नहीं पता बट ले के अंदर बोला गया है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अमाउंट है इतना अमाउंट बताया गया साथ में फिजकल डेफिसिट जो बताया गया है 2021 के लिए वो कितना है 9.5 परसेंट है लेकिन बोला जा रहा है कि फिजकल डेफिसिट 2022 में जाके कितना रह जाएगा 6.8 यानी कि सरकार इन फ्यूचर जो उधारी लेती है वो थोड़ी सी कम लेगी चलो अच्छी बात है अगला फिजकल डेफिसिट बताइए जी का कितना परसेंट तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कितना 6.8 परसेंट हो जाएगा और अगर 2000, ट्वेंटी टू का पूछा जाए है ना तो कितना हो जाएगा वो भी मैंने आपको फिगर बता दिया दोनों ही फिगर्स याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा अच्छा इस बार का जो जीडीपी बताया गया है टू थाउजेंड ट्वेंटी से लेके टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जो जीडीपी बताया गया वो है माइनस सेवन पॉइंट सेवन परसेंट लेकिन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से लेके टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक का जो जीडीपी बताया गया है वो प्लस माइनस नहीं लगा यहाँ पे ध्यान देना इलेवन परसेंट बताया गया अगला सवाल बताइए बजट के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड्स में एलोकेशन किया जाता है तो रेलवे के अंदर कितना पैसा अलॉट किया गया है ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो आपके रेलवे सेक्टर में ही किया गया है और पांचवी बार ऐसा हो रहा है कि रेलवे और यूनियन बजट दोनों साथ में आया है ये पॉइंट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अमाउंट कितना है वन वन जीरो 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 ज़ीरो फाइव फाइव करोड़ रुपीज़ का अमाउंट है अच्छी बात है अब एक बात और सुनिएगा इसमें बोला गया है कि रेलवे की एक नई पॉलिसी लाई जाएगी उसका ईयर इन्होंने रखा है टू थाउजेंड फिफ्टी में एक नई पॉलिसी लेकर आई जाएगी वेरी नाइस nice. अगला सुनिएगा इसमें बोला है कि हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक करने की बात कही है भैया ईयर याद रखना इस बार के बजट में जो फिगर्स बताए गए हैं आपको वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए जहां पे भी कोई टारगेट आया है है ना तो यहां आप देख रहे हो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो टारगेट है वो है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ओके नेक्स्ट देखो द बजट टू थाउजेंड अच्छा हाँ कुछ बच्चे हो सकता है बोलेंगे कि मैम ये तो ट्वेंटी फोर था मैम ट्वेंटी सेवन था कोई फर्क नहीं पड़ता क्या था जो बताया गया है अभी लेटेस्ट वाला हमें वो अब याद करना पड़ेगा जो था वो अब तो था तो था क्या कर सकते हैं है ना बताइए एफ डी आई जो है वो अभी हाल ही में इंक्रीज किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में अब कितना हो गया एफ डी आई सेवेंटी फोर परसेंट आपसे पूछा जा रहा है कि पहले कितना परसेंट था तो फोर्टी नाइन परसेंट पहले हुआ करता था अगला इस बार के यूनियन बजट में एग्रीकल्चर के लिए जो अमाउंट बढ़ाया गया है वो अमाउंट कितना है तो अमाउंट हो जाएगा ये याद रखिएगा क्यों आपको बता रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो ना फार्म लॉ को लेके किसानों का जो बिल है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अभी आपने देखा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि इतना अमाउंट जो है वो इंक्रीज करने की बात बोली गई है इसमें यह भी बोला गया है जो जैसे कि आपके एम है है ना कहा तो गया है कि एमएसपी जो है कुछ कुछ कैटेगरीज के अंदर हम उसको इंक्रीज कर देंगे ये भी बोला गया है कि किसानों की जो लागत होती है उसको हम डबल कर देंगे लेकिन किसानों की जो आय है जो इनकम है उसको डबल करने का कोई भी टारगेट चेंज नहीं किया गया टारगेट अभी भी वही पुराने ही वाला रखा गया अगला द गवर्नमेंट विल बी लॉन्चिंग पी एम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत सॉरी स्वस्थ भारत योजना छह साल के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा अब पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितना अमाउंट जाएगा भैया ये योजना इंपॉर्टेंट है जैसे कि वो आई थी ना क्या नाम है आपका आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में तो वो आप देख रहे हो अभी तक उसके ऊपर सवाल बनते जा रहे हैं है ना तो उसी तरीके से ये आपको याद रखना है अमाउंट कितना है सिक्स फोर वन एट जीरो करोड़ इसमें देखो क्या बोला गया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अब देखो स्टेट पीएससी वालों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा ऐसे लिख के दे देगा बताओ अच्छा कौन कौन से वाले कैटेगरी में ये प्रोवाइड करेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर सिंपल आपको याद रखना है कितने साल के लिए कवरेज है तो छः साल के लिए कवरेज प्रोवाइड करेगा अगला द गवर्नमेंट हैज सेट अप साइड हाउ मच अमाउंट फॉर द कोविड वैक्सीन कोविड वैक्सीन के लिए कितना पैसा दिया गया है वैक्सीन के लिए आपको याद होगा वैक्सीन मैत्री नाम का एक मिशन चलाया जा रहा है जिसमें इंडिया क्या कर रहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स आसपास के जितने भी भाई बंधु वाले देश हैं हमारे उनको फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करता है कितना अमाउंट जाएगा इसके लिए थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा अगला मल्टीपर्पज सी रीड पार्क बनाया जाएगा आप बताओ ये कौन सा स्टेट में बनेगा तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एक चीज़ और एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो आपके तमिलनाडु से भी जाएगा वेस्ट बंगाल में भी बनाया जाएगा तो वो भी आपको याद रखना है कि कुछ स्टेट्स में इसको डेवलप किया जा रहा है चलिए नेक्स्ट बताइए सेंटर ने अभी हाल ही में बोला है कि एक सेंट्रल लेवल पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में गाइस प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर मार देना एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट कि सात बजे की क्लास को लाइव ही अटेंड किया करो प्लीज़ प्लीज़ अटेंटिव हो जाओ यार अभी ठीक है इसका आंसर क्या बनेगा लद्दाख इज द करेक्ट आंसर ले के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा ओके okay? क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी जा रही है पे तो जरूरी है कि सवाल तो बन ही सकता है अगला फर्स्ट डिजिटल सेंसस सेंसस डिजिटल कब होना था भैया इसमें होना था शिफ्ट किया गया है अब पूछा जा रहा है कि ये बताओ कितना पैसा एलोकेट किया गया है तो थ्री सेवन फाइव एट करोड़ रुपीज का अमाउंट जो है वो इस बार क्या किया जाएगा इन्वेस्ट किया जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड अब टोटली totally कितने स्टेट में लागू हो गया है थर्टी टू हो चुके हैं थर्टी टू स्टेट्स का मतलब है कि इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के दोनों इंक्लूडेड हैं अब पूछा जा रहा है कि भाई कितने स्टेट में हो गया आंसर क्या करोगे थर्टी टू इसका करेक्ट आंसर रहेगा अगला हाउ मच अमाउंट इसके लिए जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर कितना पैसा दिया गया है तो वन थाउजेंड करोड़ रुपीस उनको दिया गया अच्छा जब हम टी की बात करेंगे या बागान की खेती या फिर प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं तो आपको याद रखना है कि आसाम एंड वेस्ट बंगाल का एरिया जो है वो इसके लिए जाना जाता है नेक्स्ट पूछा जा रहा है ऑपरेशन ग्रीन है ना ये एक्चुअली पहले भी था ये नया नहीं है ये पहले वाले पिछले वाले बजट में भी था पूछा जा रहा है कि इसके अंदर अभी रिसेंटली कितनी और क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है तो 22 क्रॉप्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके अलावा मैंने बजट के ऊपर पूरा एक सेशन लिया हुआ है आप उसको भी देख सकते हो सिर्फ आपके उसमें 25 मिनट लगेंगे क्योंकि 25 पॉइंट हैं एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया है लेकिन जो सवाल बनेंगे वो सवाल आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे इतने ही आपको सवाल मिलेंगे ठीक है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अच्छा मतलब उस वाले सेशन को एक बार से देख सकते हो ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी मिलेंगे आप लोगों से सात बजे के सेशन में एंड दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि ये जो तीस मिनट का क्लास होता है ना भाई मत इसको मिस करिए वर्ल्ड हिस्ट्री को दिस इज़ माय रिक्वेस्ट अगर आपके लिए मेहनत करके हम पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझाने के लिए तैयार बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है भाई है ना अच्छा उसके अलावा पेड बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है नया बैच होपफुली एक हफ्ते में आ जाएगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इसके अलावा ये हैं वो एजुकेटर्स जिनकी क्लास आपको मेरे क्लास के साथ में मिल जाएगी कोड क्या लगेगा कृति टेन कोड है जीएस के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे मैथ इंग्लिश रीजनिंग आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर की देख सकते हो ट्वेल्व मंथ का आप सेलेक्ट करोगे तो अमाउंट इतना था इसमें अभी पाँच बढ़ गया है अब फिर से इंक्रीमेंट कब हो जाए नहीं पता तो दिस इज अ टाइम कि आप क्या कर सकते हो इसको ज्वाइन कर सकते हो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से टिल देंगे खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय बाय एंड बैंठ